महेश भट्ट शूटिंग के दौरान सुष्मिता पर क्यों चिल्लाए सुष्मिता अदाकारा नहीं बनना चाहती थी किसने मजबूर किया अपनी शराय पर जीने वाली अदाकारा मिस यूनिवर्स और भारतीय अदाकारा सुष्मिता सैन ने इनके किया कि डायरेक्टर महेश भट्ट की जानब से बीसों अफराध के सामने उन्हें धुतकारा गया था अदाकारा ट्विंकल खन्ना को 2022 में दिए गए लाइव इंटरव्यू के दौरान सुष्मिता सैन ने अपनी जिंदगी की कई पुरानी यादें ताज़ा की जिनमें उन्होंने ये भी बताया कि वो मॉडलिंग से अदाकारी के शोबे में कैसे आई थी सुष्मिता सैन का बताना था कि उन्होंने उन्नीस में मिस यूनिवर्स का मुकाबला जीता था उनके जहन में अदाकारी के शोबे में कदम रखने से मुतालिक कभी कोई ख्याल तक नहीं भटका था अदाकारा के मुताबिक फिर एक दिन मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट ने उन्हें अदाकारी की ऑफर की और उन्हें इस शोबे में भी किस्मत आजमाने का कहा सुष्मिता सैन का इंटरव्यू में बताना था कि उन्होंने महेश भट्ट से साफ कह दिया था कि वो अदाकारी नहीं जानती हैं, उन्हें अदाकारी नहीं आती वो एक अच्छी अदाकारा साबित नहीं होंगी कैसे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर सकती हैं? जिस पर महेश भट्ट ने कहा कि मैंने कब कहा कि तुम तो एक अच्छी अदाकारा हो मगर मुझे खुद पर यकीन है की मैं एक अच्छा हिदायतकार हूँ सुष्मिता सैन ने अपनी पहली फिल्म दस्तक की शूटिंग आरोप पेश आने वाले वाक़े ऐसी मुतालिक बताया की शूटिंग जारी थी और महेश भट्ट ने अचानक मुझ पर चलाना शुरू perdida. महेश भट्ट ने मीडिया के चालीस अफराद और बीस प्रोडक्शन असिस्टेंट्स के सामने सरेआम मुझ पर चिल्लाते हुए कहा की क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए अदाकारी नहीं कर सकती हो सुष्मिता सैन ने मजीद बताया की सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं रोते हुए सेट से बाहर जाने लगी इस दौरान महेश भट्ट ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोकने की कोशिश की मुझे और गुस्सा आ गया मैंने महेश भट्ट का हाथ झटका और कहा की आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते सुष्मिता सैन ने कहा कि मैं गुस्से में आकर सेट से बाहर की जानब चलती जा रही थी और महेश बार बार मेरा हाथ पकड़ कह रहे थे कि यही गुस्सा चाहिए जाओ और यही गुस्सा कैमरे के सामने दिखाओ सुष्मिता सेन और नामवर बिजनेसमैन ललित मोदी की दोस्ती के चर्चे हुए तो अदाकारा पर तनकीद की जा रही थी की सुष्मिता ने पैसों के लिए मोहब्बत की इस पर फिल्म साजो हिदायतकार महेश भट्ट भी अदाकारा की हिमायत में सामने आए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा की सुष्मिता सेन हमेशा ऐसी से ही बहादुर लड़की रही है हमें उनका एहतराम करना चाहिए उन्होंने कहा की सुष्मिता एक गैर मामूली लड़की है वो अपनी जिंदगी अपनी शराय आरोप गुजारने की आदि है जो की उनका है और हमें उनका ये हक तस्लीम करना चाहिए हम कौन होते हैं किसी पर अपने और नजरियात करने वाले और किसी को सिर्फ इस वजह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो अपनी शराब पर जिंदगी गुजारना चाहता है अब तक के लिए इतना ही मजीद इसी तरह की मालूम हासिल करने के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें